in Pakistan? I don't know यार, I've never thought it that way to be very honest, but कभी-कभी ऐसा होता है जब आपका जर्नी चल रहा होता है ना, तो चीजें होती चली जाती हैं एंड देन यू डोंट रियलाइज के इट्स एक्चुअली हैपनिंग, यू नो इट इज व्हाट इट इज. तो आपको वो फील आ तो जाती है, लेकिन जब तक आप उसको ना लें सीरियसली, आई थिंक आप प्रोडक्टिव भी रहते हैं, आप क्रिएटिव भी रहते हैं, आप फ्लेक्सिबल भी रहते हैं. बट वंस यू थिंक कि यू मेड इट और यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और हर किसी को आप फिर बताना शुरू कर दें और समझाना शुरू कर दें और सिखाना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है गलत हो जाता है. तो मैं अभी भी अपने सेट्स पे जब भी एक्टिंग करने जाता हूँ, मैं कभी किसी एक्टर को कुछ बताता नहीं हूँ. कभी कभी मुझे किसी ने कहा कि आप रूड हैं, बट ये टाइम्स हैव चेंज नाउ. सो वेरी फ्यू पीपल जिनको मैं कह देता हूँ, वरना मैं चुप रहता हूँ. तो उससे क्या होता है, आपका लोगों को लगता है कि यार ये हमारे जैसे ही है, पता भी नहीं ज़्यादा और ठीक, विच इज़ गुड. देन दे रिलेट टू यू मोर, देन दे कनेक्ट टू यू मोर. सो दैट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू थिंक कि आपने यू मेड इट, अब बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग ना, प्रोडक्शन भी, होस्टिंग भी, एक्टिंग भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर किसी में इज्जत ऐसी रख ली है कि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो उसमें वजन होना चाहिए, अगर जितना आप तजर्बा या काम देख लें उस हवाले से. बट टाइम्स हैव चेंज, तो इंसान को कोशिश करके इतना सोचना नहीं चाहिए. आई स्टिल बिलीव कि मैं अभी बहुत कुछ करूँगा, अगर कोरोना नहीं होता तो इस साल और भी बहुत कुछ कर लेता, कोरोना ने हमें रोक दिया, अल्लाह की ज़ात ने, बाकी रहता मसला नहीं था. बिकॉज ऑफ कोरोना हम सब लोगों के लिए 2020 हैज़ बीन अ मिक्स्ड बैग. या आई नो, बिल्कुल सबके लिए बहुत ज़्यादा. ज़्यादातर लोगों के लिए तो प्रॉब्लमेटिक ही रहा है. बट देखो हमारी इंडस्ट्री में पता है हम लोग थोड़े से ना ज़रा और बदनसीब हो गए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चंद एक लोग हैं जिसमें मुझे अपना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है कि मैंने प्ले किया है, वो है इस फिल्म इंडस्ट्री को, जो रिवाइवल की बकवास हम सुनते थे ना, हमने वो ख़त्म कर दी थी 2016 17 18. ये वो साल थे जिसमें इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी, सिनेमाज बन गए थे, लोगों ने पैसे लगा दिए थे, मल्टीप्लेक्स सिनेप्लेक्स दबादब सब कुछ हो रहा था. वो जो रुक गया ना हमारा, वो अब दोबारा उसको शुरू करना जो है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हम उस तरह का सेटअप नहीं है हमारे मुल्क का, उतने फाइनेंसेस नहीं है, वो चीज़ें नहीं है. ये एक मुझे दुख है कि आप फिल्म करके बैठे हुए हों और आपके सुपरस्टार हैं इस वक्त ना, हम हमको आप लोग सुपरस्टार कहते हैं, जो भी है हम ही हैं, नहीं, आप ही हैं. हुमायूं है, मैं हूँ, हम दोनों की फिल्में बनी हुई हैं. देखो उनकी हाफ वे थ्रू है, आई थिंक 30-35% रह गई है, हमारी कंप्लीट है. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमारी फिल्म्स देख के फिल्में बनाना शुरू की उन्होंने, नामालूम अफराद वाज़ द फिल्म जिसके बाद लोगों ने, या शायद आफरीदी फॉर दैट मैटर, उसके बाद लोगों को हिम्मत आई थी यार. तो अभी कोरोना में भी हम बना रहे थे फिल्म्स, हम तो रिलीज भी करने जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बट ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट टीवी, इश्किया, नन, जलन, थ्री ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ 2020 हैव बीन योर प्रोडक्शंस, माशाल्लाह. माशाल्लाह. सो लोगों के लिए मिक्स्ड बैग रहा भी हो, बट आपके लिए कंपैरेटिवली इट्स बीन स्लाइटली बेटर. देखो ये तो मैंने ज़िंदगी में 7-8 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सिर्फ एक्टिंग करके जो है ना, इस प्रेशर से नहीं गुजरना हर वक्त, इट्स अ प्रेशर. और अब तो मुझे लगता है नए एक्टर्स के लिए इट्स टू मच प्रेशर, बिकॉज हमारे टाइम पे तुम बैठ के नहीं बात करते थे, तो हमने तो बहुत बुरे बुरे काम किए हुए यार, चाहे वो मैं हूँ, नोमी भाई हम लेजेंड कहते हैं, हुमायूं इज़ लेजेंड, फैसल भाई, ये सारे जितने भी आपके लेजेंड्स हैं ना, लेजेंड्स को आप जीरो कर देंगे 2 मिनट के अंदर, अगर आप आज से 6-8 साल पुराने हमारे ड्रामे True. जाके थे, वी हैव डन द वर्स्ट एंड द बेस्ट एट द सेम टाइम, नो रिग्रेट्स, दैट वाज द प्रोसेस, उसी से गुजरना था, उसी से गुजर के कुंदन होना था, हुए, कोई रिग्रेट नहीं है. लेकिन अगर होते उस टाइम पे ये सारे जितने भी मामलात हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट. आई रियली हैव टू गिव इट टू ऑल दीज एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कि वो इस प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम बेचारे सक्सेसफुल होने के बावजूद भी जो है सुनते रहते हैं चीज़ें, नॉट जस्ट फ्रॉम यू बट ओवरऑल. पहले तो फैन का भी ये था ना कि फैन मिलेगा, अब तो फैन गाली दे देता है आपको. बट डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, दैट नाउ पीपल आर मोर कॉन्शियस जो वो देख रहे हैं उसके बारे में भी, और लोगों को एक आवाज़ भी मिली है कि वो अगर कॉन्टेंट नहीं पसंद आ रहा तो उसके बारे में बात भी कर सकते हैव यू हैं. सीन सोशल डिलेमा? आई हैव, यू यस, हैव? या
जिन लोगों ने बनाई है ये चीजें उनके क्या ख्याल आते हैं, जिन्होंने बनाई है वही समझ गए हैं कि यार ये वो एक सांप है जो एक बार निकल गया है बॉक्स से और काबू किसी के आना नहीं. सो मे बी द इंटेंशन वॉज राइट, बट अब जो उसका हो गया ना वो हाथ से निकल गई, बहुत बहुत हाथ से निकल गया. सी आई कांट बी रेडी ऑल द टाइम, आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टार. लेट मी रिमाइंड यू, पाकिस्तान में हमसे जितने भी बड़े बड़े भी हो ना, इंटरनेशनली हमारी इतनी ज़्यादा वो है नहीं. हम ठीक है, लोग जानते हैं अच्छा खासा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पापराज़ीज हैं पीछे और 24 घंटे का मसला है. बट आई हेट द फैक्ट कि मुझे हर वक्त इस बात को सोच के चलना है कि मैं घर से निकलूंगा तो तुम्हारे पास भी फोन है, उसके पास भी फोन है, everybody wants to click a picture and the best of the picture. I can't do that. I'm an actor. मैं कोई मैनिक्विन तो हूँ नहीं कि चलता फिरता तैयार आइटम फिरूँ मैं. It's like judgment for anything and everything. If my kid is not looking good, you'll judge me. If I'm not looking good, you'll judge me. गाड़ी अच्छी नहीं है, you'll judge me. जूता ठीक नहीं पहना हुआ, you'll judge. मतलब come on, ये क्या fake ज़िंदगी है? Let's be what it is. अगर आप character play कर रहे हो, I would want people to talk about my characters, the way I do my show, the way I produce stuff, not the way I'm going to a grocery store. You know what I mean? Yeah, I know. It's too much pressure. मैं तो उधर भी चला जाता था, वो मुर्गियाँ मिलती हैं वहाँ पे, वाटर पम्प जाता था, मैं एंजॉय करता था. आई कांट बिकॉज मुर्गी वाले के पास भी फ़ोन है और सबको वीडियो चाहिए. अब तस्वीर भी नहीं चाहिए, किसी को अपनी बीवी के लिए चाहिए, किसी को अपनी मंगेतर के लिए चाहिए, विच आई एम हैप्पी टू, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, बट नॉट ऑल द टाइम, इट्स वियर्ड. बट गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड, यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इन द ट्रूएस्ट सेंस, जो एज अ प्रोड्यूसर आपके पास पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं या उससे आप कितना प्रेशराइज फील करते हैं? देखो, मैं पिछले दिनों बड़ी बातें चल रही थी कि फहद मुस्तफ़ा एक्टिंग जब करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं, और प्रोडक्शन जब करते हैं तो मैंने जेपीएन, ये मैंने कहा था, अच्छी बात, इसका मैं जवाब तुम्हें देता हूं. मैंने जेपीएन भी की थी. जेपीएन में क्या मैसेज दे रहा था मैं? एंटरटेन कर रहे थे ना, बट एज आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन, कुछ फिल्में आपने वो की हैं. अब मैंने लोड वेडिंग की, मैसेज था, नहीं चली, मैसेज नहीं चला. आई एंजॉयड इट, मुझे बहुत मजा आया. प्रोड्यूसर पूछो अलग बताएगा प्रोड्यूसर. एक्टर इन लॉ में भी मैसेज था जो कि बहुत चली. तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार मैसेज भी नहीं हो सकता, हर बार एंटरटेनमेंट भी नहीं हो सकती. इफ आई एम डूइंग, लेट्स सपोज, अल्लाह करे ऐसा हो, इफ आई एम डूइंग 4 मूवीज अ ईयर, व्हाई वुड आई बी डूइंग मैसेज ओरिएंटेड फिल्म्स ओनली? आई वॉज हेयर टू बी एन एक्टर इन द फर्स्ट प्लेस. ए वॉन्टेड टू लुक लाइक अ हीरो, ऐसा ही था ना. मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपको मैसेज देने में, इसमें कोई गलत बात नहीं. बिल्कुल सही है, बट मैं जस्ट ऐड समथिंग, अच्छा मैसेज देने का कोई नहीं कह रहा कि यार कि आपके ऊपर कोई ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि आपका हर ड्रामा हर फिल्म कोई बहुत पॉजिटिव अच्छा मैसेज दे. अग्रीड, बट द कंटेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, सम पीपल से कि वो अच्छा मैसेज अगर नहीं दे रहा लेकिन नेगेटिव मैसेज दे. कौन है वो लोग? जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे जलन की बात है, ठीक है, पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद a lot of it, because साली बनोई बहुत खिचपिच हुई. मैंने तो ये भी कहा, पहले भी कहा कि नहीं है, अभी भी मानता हूँ कि उसके बारे में नहीं है. मेरा पर्सनली जलन से जो प्रॉब्लम था वो मिशा के ट्रैक के साथ, ठीक है, जब उसको आग लगा के जलाया गया, all of that, मैंने ऑन रिकॉर्ड वो बात की. ठीक है, सम पीपल ऑडियंसेस, और मैं, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द फीडबैक दैट वी गेट ऑन आवर ओन रिव्यूज, दे से कि नंद इज रिग्रेसिव. नंद के ऊपर जो बात है वही घर की बातें, ये फलां ढमाक, ये सारी. अग्रीड. सो नाउ अ स्कूल ऑफ थॉट सेज के दिस इज व्हाट द ऑडियंसेस वांट टू वॉच, बिकॉज नंद गेट्स अ लॉट ऑफ रेटिंग्स, बिकॉज जलन गेट्स अ लॉट ऑफ रेटिंग्स, दिस इज व्हाट द प्रोड्यूसर्स आई ई यू वुड वांट टू प्रोड्यूस एंड गिव इट टू द ऑडियंस. बट देन देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि द ऑडियंस इज वॉचिंग दिस स्टफ बिकॉज फहद मुस्तफा इज क्रिएटिंग दिस स्टफ. वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट? यार देखो, ये बड़ी लंबी डिबेट है.